नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। सयानी बिल्ली खम्बा नोचे, कहावत तो आपने सुनी होगी और इसका मतलब भी आप अच्छे से जानते ही होंगे। ऐसा ही करने का इन दिनों वन निगम पर आरोप लग रहा है, जिस वन विभाग तराई पश्चिमी ने वन निगम पर कार्रवाई का मन बनाया। वन विभाग की कार्रवाई के बाद वन निगम बुरी तरह बौखलाया हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों को नियम का पाठ पढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वन विभाग और वन निगम की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वन निगम के अधिकारी वन विभाग के अधिकारियों पर उत्पीड़न और गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मामला पेड़ों के अवैध कटाव से जुड़ा हुआ है। वन विभाग ने वन निगम को यूकेलिप्टस काटने की परमिशन दी। इसी परमिशन के बीच माफियाओं ने चोरी छिपे जंगल से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही DFO प्रकाश चंद्र आर्य ने ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तो की ही, साथ ही माफियाओं के साथ साठगांठ और सरकार को राजस्व का चूना लगाने और अपने फर्ज के प्रति लापरवाही बरतने को लेकर वन निगम के खिलाफ भी करीब 27 लाख रुपए PD यानी जुर्माना लगा दिया, जिसके बाद निगम बुरी तरह बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। वन निगम के अधिकारी अपने ऊपर लगाई गई PD को गलत बता रहे हैं। वन निगम के अधिकारियों का कहना है कि ना तो निरीक्षण हुआ, ना ही आख्या हुई, ना ही पक्षों को सुना गया। आनन फानन में PD निकालना, वन निगम को प्रताड़ित करना है, हमें ये PD स्वीकार नहीं है। निगम में किसी प्रकार की PD आरोपित की जाती है तो उसमें संयुक्त निरीक्षण होता है। निरीक्षण में दोनों पक्षों को सुना जाता है और उस पर आख्या होती है कि भाई ये वास्तव में ऐसा गलत हुआ है तो इसकी PT डिमांड होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए, दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन जो भी PD दी गई है वो किसी भी हमारे पक्ष के द्वारा न स्वीकार है, न किसी प्रकार से साइंड है। तो इस तरीके से आनंद फानंद में PD निकाल देना और वन निगम को प्रताड़ित करना, और इस तरीके से ये एक अच्छी प्रथा नहीं है। इस तरीके से मनोबल गिरता है, कर्मचारियों को हतोत्साहित होते हैं और कर्मचारी कार्य के प्रति जो है उदासीन होते हैं। तो इस तरीके की प्रवृत्ति को रोक लगनी चाहिए और PD के प्रति ये PD का डंडा हमारे कर्मचारियों को नहीं दिया। तो दूसरी ओर तराई पश्चिमी डिवीजन वन विभाग के DFO प्रकाश चंद्र आर्य ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हमारे द्वारा किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, जो वन संहिता है उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा रही है। वन निगम का जहां कटान किया जाता है उसके आसपास की जिम्मेदारी वन निगम की ही होती है। उन्होंने कहा कि उसके आसपास भी पेड़ काटे गए हैं। जो PD हमने आरोपित की है उसका जवाब वन निगम ने देना है और हमारे द्वारा उनका जवाब उच्च अधिकारी माननीय वन संरक्षक को भेज दिया गया है। आगे उनके द्वारा निर्णय लिया जाना है। ये तो अब उनका वर्जन है कि वो कह रहे हैं कि मनोबल तोड़ना, अगर उनको माल चोरी हुआ वन निगम की लॉट से या वन निगम की लॉट के अगल बगल में अगर पातन हुआ है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। वो जो वन निगम संहिता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वन निगम अगर जिस लॉट में वन निगम काम कर रहा है उसके चारों तरफ अगर कहीं पर अवैध पातन पाया जाता तो उसकी जिम्मेदारी वन निगम की होगी। उसी संहिता के आधार पर ही उनके ऊपर PD डाली गई है। इसमें कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती परेशान करने की नीयत से या किसी अन्य कारण की वजह से हमने उनको PD उनके ऊपर पड़ी आरोपित की। ये PD नियमानुसार ही PD पड़ी है और उसी उसमें कोई अन्य कोई कारण नहीं है। अब ये तो उनकी अपनी समझ है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि PD ऐसा कभी होता नहीं है कि एक ही PD पड़े या साल में एक ही PD पड़े, ऐसा कोई नियम नहीं है। जितनी बार गलती करेंगे और ये लॉटों में जितनी बार ये गलती करेंगे उतनी बार PD पड़ेगी। ऐसा कहीं नहीं होगा कि इससे पूर्व में भी एक ही साल में चार चार पाँच पाँच बार PD पड़ी हैं और बड़ी बड़े अमाउंट की PD पड़ी है। ये इनका ये कहना कि इतिहास में पहली बार PD पड़ रही है, इनको शायद इतिहास का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मैं आगे इसको कहना ठीक नहीं समझता। और जो भी है वो प्रकरण क्योंकि विभागीय है इसलिए इसको कैमरे पे बहुत ज़्यादा इसको कहना वैसे भी उचित नहीं है। तो जो भी होगा क्योंकि हमने उनके ऊपर PD आरोपित कर दिया, उसका जवाब देना है उन्होंने और उसका गुणदोष के आधार पर निर्णय माननीय वन संरक्षक द्वारा लिया जाना है। तो हमारी तरफ से तो चला गया है और उनको उसका जवाब देना है। अगर वो वन संरक्षक महोदय को संतुष्ट करके अपनी PD खत्म करवा लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग क्षेत्र के अंतर्गत ज्वाला वन क्षेत्र में हाल ही में कुछ दिनों पूर्व लिप्टिस की लकड़ी कटान के बाद चोरी करने के मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग और उत्तराखंड वन विकास निगम आमने सामने आ गए। इस मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के DFO द्वारा वन निगम पर लापरवाही बरतने व लकड़ी चोरी करने को लेकर लाखों रुपए का जहाँ को जुर्माना लगाया गया, तो वहीं
वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक हरीश पाल ने वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को पूरी तरह गलत बता दिया। उन्होंने कहा है कि ना तो कोई जांच की गई और ना ही कोई जो है मौके पर जाकर इसके बयान लिए गए। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा उत्पीड़न करने की कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं तराई पश्चिमी वन प्रभाग के DFO ने निगम द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया, अधिकारियों से निर्देश मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN News। ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल की इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN News के साथ। धन्यवाद।